खबर है यूपी के सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली क्षेत्र से। नेशनल इंटर कॉलेज कादीपुर में छत का मलबा गिरने से एक मजदूर की हुई दर्दनाक मौत, चार बच्चों के सर से पिता का साया उठा। वहीं पर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल बताते चले। मामला नेशनल इंटर कॉलेज का, जहां पर तीन मजदूर काम कर रहे थे, पैसे बचाने के चक्कर में विद्यालय प्रशासन के द्वारा की गई बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जर्जर हो चुकी बिल्डिंग को जेसीबी के द्वारा भी ढहाया जा सकता था, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने चंद पैसों को बचाने के चक्कर में मजदूर की गई जान। आज दोपहर लगभग 1 बजे जर्जर बिल्डिंग को तोड़ते समय हुआ हादसा। लगभग 50 मिनट तक मलबे में दबा रहा युवक। घटना की सूचना मिलते ही उठ जिलाधिकारी कादीपुर महेंद्र कुमार सिंह, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, कोतवाली, कादीपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पर विद्यालय प्रशासन ने मानवता की सारी हदें की पार, हॉस्पिटल तक पहुंचाना भी विद्यालय प्रशासन ने मुनासिब नहीं समझा। राम आधार पुत्र राम स्नेही निवासी ग्राम अंदरायपुर, उम्र लगभग 50 साल, छत का मलबा गिरने से मजदूर की हुई दर्दनाक मौत। उसके प्रधानाचार्य केडी सिंह के खिलाफ कादीपुर कोतवाली में पड़ी तहरीर। देखना यह होगा कि मामले की कादीपुर कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाता है या मामले की लीपापोती करेगी। वहीं पर मजदूर को कादीपुर सीएचसी पर 108 एम्बुलेंस के पायलट सुरेश एमटी शशांक विश्वकर्मा के द्वारा कादीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद कादीपुर कोतवाली पुलिस के द्वारा युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए सुल्तानपुर भेज दिया गया। खबर भारतवर्ष के लिए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राज्य जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।